कोकोनट चॉकलेट मोदक बनाने के लिए हम लेंगे 1 कप ये नारियल का बुरादा है, डेसिकेटेड कोकोनट। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप कंडेंस मिल्क। पहले हम थोड़ा डालेंगे, अगर लगेगा तो फिर डाल देंगे। अब हमें इसे मिक्स करना है, इस तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका गोला बना लेंगे। इस तरह से गोला बना लिया है हमने। आधा कप जो कंडेंस मिल्क लिया था उसमें से इतना सा बच गया है, यानी आधे कप से भी थोड़ा कम लगता है हमें। अब इसे 10 मिनट हम ऐसे ही छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद सांचे को हम घी लगा लेंगे और इसमें डाल के मोदक बना लेंगे। इस तरह से हम डालेंगे दोनों साइड से पैक करेंगे। इस तरह से हम सारे मोदक बना लेंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा मोदक बन गया है। इस तरह से मैंने सारे मोदक बना लिए हैं। अब हम चॉकलेट बनाएंगे। चॉकलेट को मेल्ट करना है, उसके लिए मैंने एक सॉस पैन में पानी गर्म कर लिया है। अब हम इसमें 1 ग्लास का बोल रखेंगे और उसमें 1 कप चॉकलेट डालेंगे। डबल बॉइलिंग मेथड है ये, इसे मेल्ट कर लेंगे हम। चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब हमें इस मोदक को इसमें डीप कर लेना है, अच्छे से चॉकलेट का कोटिंग लगा लेना है। आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने चॉकलेट कोटिंग लगा ली है। मोदक को अच्छे से मैंने चॉकलेट में कोट कर लिया है और उसके ऊपर ये स्प्रिंकलर भी डाल दिया है। गरम है तभी हम इसमें डाल सकते हैं। अब इसे हम ठंडा होने देंगे। मोदक मैंने फ्रिज में सेट करने के लिए रख दिए थे। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से मोदक हमारा बनके तैयार है। मैंने एक मोदक को कट भी कर लिया है, अंदर से ये नारियल और बाहर से चॉकलेट। अगर आपके पास चॉकलेट नहीं है तो आप सिर्फ डेसिकेट कोकोनट और कंडेंस मिल्क का जो व्हाइट वाला है वैसे ही बना सकते हैं।